स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर हमने नेहरू मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री रहे पूर्वांचल भदोही के स्वप्नदृष्टा स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गरीबों का भाई विनोद श्यामधर से राजनीति में खत्म होते विचार को लेकर कुछ तीखे सवाल पूछे। हमें जो जवाब मिले वह बेहद लाजवाब थे। आप भी देखिए मिथिलेश द्विवेदी के सवाल पर ऐसा जवाब किसी ईमानदार का बेटा ही दे सकता है। तो आइए जानते हैं आज की सियासत में विचारों की कमी से कौन सी गंदगी तेजी से फैल रही है। नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गरीबों के भाई विनोद श्यामधर जी, आज की स्थिति विचारों को लेकर बड़ी दयनीय है, क्या कहें। चाचा नेहरू के समय जो विचार होते थे अद्भुत थे। उस समय मेरे पिताजी उनके साथ मंत्री थे और मैंने कई मंत्रियों को उनके साथ आते जाते देखा था। हमेशा उनके विचार हम लोग विचार विमर्श करते रहते थे कि किसी ने किसी बात पर उनके कुछ न कुछ सोचते। आज सोच ही खत्म हो गई। आपने विचारों की बात की है लेकिन आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को टारगेट किया जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने बहुत अधिक भारत का विकास नहीं किया, कई गलतियां की जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है, क्या कहेंगे। मैं तो ये कहूंगा जो व्यक्ति जिंदा नहीं है उसकी खिलाफियत करना ही गलत है। कौन उसकी बात बताए सही बात क्या है। मैं नेहरू के बारे में उनको गलत कहूं तो नेहरू जी जिंदा है बताने के लिए कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अगर जो आदमी जिंदा नहीं है उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं 24 घंटे अपनी अपने को ऊंचा करने के लिए, आप बता रहे हैं नेहरू से ज्यादा बड़े हैं, ये तो गलत है। हम बात अगर जनपद की करें तो जनपद में विकास पुरुष पंडित श्यामधर मिश्र के विचार हुआ करते थे। आज तमाम दलों के नेता अपनी तुलना करते हैं कि विकास पुरुष पंडित श्यामधर की तरह विकास करा देंगे, तमाम बातें होती हैं लेकिन मुझे विचार कम दिखता है, क्या कहेंगे। अब मैं अपने पिता की तारीफ करूं ये मुझे अच्छा नहीं लगता। क्षेत्र के सभी जानने वाले यही कहते हैं भाई पंडित श्यामधर मिश्र के समय जो कार्य हुआ वो उसके बाद सब रुक गया। विचार होंगे तभी तो कार्य होंगे, बिना विचार के कैसे कार्य हो सकता है। पहले विचार आते हैं फिर कार्य आते हैं, जब विचार ही नहीं है तो कार्य कहां से होंगे। और विचार माने हम चाहे किसी भी दल के हों एक दूसरे से विचार करना जरूरी है। विचार एक जो राय बात करना जरूरी है कि क्या सही है क्या गलत है। अपने मन का हम कर दें और वो गलत हो जाए सही हो जाए। आपका क्या मानना है कि भारत में या अपने भदोही में विचारों में कमी कब से आई। में कमी तो मैं समझता हूं जब से कांग्रेस कमजोर हुई है पीछे हुई है, नई नई पार्टियां आई हैं, छोटे छोटे दल बन गए हैं, तब से विचार केवल एक है कुर्सी, केवल विचार भी आता है कि कैसे हम अपने अपनी कुर्सी को बचाएं, कैसे धन कमाएं, व्यापार बन गया है राजनीति, इसी पर विचार करते रहते हैं दिन रात नेता लोग। मैं किसी एक को नहीं कह रहा हूं, सब लोगों को मैं यही देख रहा हूं कि पैसा कमाने के लिए लोग राजनीति कर रहे हैं। अगर पैसा ही कमाना है राजनीति तो व्यापार क्यों नहीं करते, बड़े बड़े व्यापारी हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं। जयंती है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, क्या संदेश देंगे। संदेश मेरा यही है कि मैं चाचा नेहरू को नमन करता हूं, अपना सिर झुकाता हूं, उनसे आशीर्वाद चाहता हूं और उनसे क्षमा भी चाहता हूं कि उनके कांग्रेस को हम लोगों ने बहुत कमजोर कर दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको मजबूत करें। हमारे राय साहब आए हैं, उनसे मिल के साथ मिल करके हम कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हैं। यही हमारी श्रद्धांजलि होगी पंडित नेहरू को।